मामला मध्य प्रदेश के धार जिले के निवासी एवं झाबुआ जिले के मेघनगर में पदस्थ पुलिस जवान का है, जिसने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस जवान महेंद्र बाभोर का आरोप है कि पूर्व डीएसपी शंकरलाल कटारिया द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है एवं पूर्व डीएसपी पीड़ित जवान की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जवान का यह भी आरोप है कि पूर्व डीएसपी द्वारा पीड़ित जवान की पत्नी व बच्चों को अकेला देखकर परेशान किया जाता है। पीड़ित जवान के अनुसार पूर्व डीएसपी पीड़ित जवान की पत्नी और बच्चों को डरा धमकाकर पीड़ित जवान की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है। पुलिस जवान के अनुसार पूर्व डीएसपी ने जमीन का फर्जी दस्तावेज बनवा लिया था, जिससे पीड़ित जवान द्वारा आपत्ति लेकर फर्जी दस्तावेज को खारिज करवा दिया गया, लेकिन फिर भी पीड़ित जवान के परिवार व पीड़ित जवान को डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इसी संबंध में पीड़ित जवान द्वारा कई बार न्याय के लिए धार में आवेदन भी दिए गए, लेकिन आज तक पीड़ित जवान न्याय के लिए तरस रहा है। आज भी पीड़ित जवान की पत्नी द्वारा जनसुनवाई में आवेदन दिया गया। मीडिया से चर्चा में पीड़ित के आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अब देखना यह है कि प्रदेश के मुखिया द्वारा इस मामले में क्या न्याय दिलाया जाए। मेरा जमीन का विवाद है, मेरे नाना जी की जमीन उन्होंने नाम पे करवा ली साथ आपको। सर, मैं धार जिले का रहने वाला हूँ, कोट के पीछे हाथीधान, और मैं पुलिस विभाग में पदस्थ हूँ झाबुआ जिले में, थाना मेघनगर में। मेरी बहुत बड़ी समस्या है सर, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ सर। मेरा वहाँ पर धार जिले में विवाद चल रहा है सर, जमीनी विवाद, और इस विवाद में सर पूर्व डीएसपी है और उसका परिवार है सर, बहुत बड़ा परिवार है, और लखपति परिवार है, और मेरे परिवार में सर मैं अकेला ही हूँ। उन पूरे परिवार ने सर मेरी जमीन जबरदस्ती हड़पना चाह रहे हैं सर वो, और उन्होंने सन 86 में सर उनकी हमारी जमीन उनके नाम पर, हमारे नाना जी की जमीन उनके नाम पर करवा ली है सर, और इस कारण सर मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है सर। मैं घर जाता हूँ तो सर मेरी झूठी झूठी शिकायत करते हैं, और कई बार सर आवेदन भी दिए मेरे खिलाफ़ सर सीएसपी धार, सीएसपी साहब धार में भी कम से कम 3-4 बार मेरे खिलाफ़ आवेदन दे चुके हैं सर झूठे, और अपने एसडीपी साहब थानला में भी मेरे खिलाफ़ झूठा आवेदन दे चुके हैं सर। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ सर इस परिवार से, मैं मेरे बीवी और मेरे बच्चे सर, वो भी एक मेरा बच्चा भी एक सर कुरपोषी थे और अपंग है सर, तो मेरी बीवी मेरे बच्चों को लेकर वहाँ पर रहती है सर, और हमारा जमीनी विवाद चल रहा है सर, तो उसको जो है ऐसा करके भगाने की कोशिश कर रहे हैं सर वहाँ पर, और मैं जाता हूँ तो मेरे बच्चों से मिलने तो मेरे पे भी सर झूठे इंजाम लगाते हैं सर, और कहते हैं तेरे को फंसा दूंगा और तेरी नौकरी खा जाऊंगा, मैं डीएसपी हूँ और डीएसपी आदमी हूँ मैं, और तू छोटा सा सिपाही क्या करेगा हमारा, यूँ करके मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है सर। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ सर, मुझे शिवराज सिंह जी चौहान से यही उम्मीद है कि सर मेरा निराकरण किया जाए सर जमीन का, और मुझे इस लोगों से बचाया जाए सर। मैं बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, मेरा दिमाग माइंड डिस्टर्ब हो चुका है सर, मैं ना नौकरी कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ सर, मेरी औरत को भी बहुत परेशान करते हैं सर, उनने भी जनसुनवाई में आवेदन दिया है सर, आए दिन परेशान करते हैं सर, और बहुत दुखी हूँ सर मैं उनसे, डीएसपी साहब का रोक जमा के सर मुझ सिपाही को बहुत परेशान किया जा रहा है सर। क्या नाम है डीएसपी साहब? डीएसपी साहब का नाम सर श्रीमान शंकरलाल कटारिया नाम है सर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर कि मुझे परेशान किया जा रहा है सर, मेरी किधर भी सुनवाई नहीं हो रही, मैंने बहुत बार आवेदन भी दिए सर, जन सुनवाई में दिए सर, अपने थाने में देता हूं सर, दिए हैं सर, और कई बार सर मैंने हमने कलेक्टर साहब को दिया है सर, और कई बार सर मैं तहसील में भी दे चुका हूं सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर, और वो मेरे दादाओं की जमीन है, मेरे द्वारा कई बार बोला भी गया है सर डीएसपी साहब को हाथ जोड़ के सर तुम इतने साल से मेरे से झगड़ा कर रहे हो तो तुम्हारा प्रूफ बता के तुम्हारा कब्जा क्यों लेते हैं सर, कि वे है ही नहीं सर उनके पास, झूठे उनके पास कागज है सर, और झूठी उनकी झूठा उनके उनने पट्टा बना रखा है सर फर्जी, इसलिए सर वो पेश ही नहीं करवा रहा सर, मुझे परेशान कर रहे ताकि इसके बच्चे बच्चे यहाँ से लेके चले जाए तो जमीन हम कब्जा कर ले सर, तो मेरे बाप दादा को जमीन में छोड़ के कहाँ भी जाऊँगा सर। तो ये जो इन्होंने कागज बनाए इस पे आपने आपत्ति वगैरह कुछ ली? मैंने लगाई सर आपत्ति, और उसका सर मैंने निरस्त भी करवा दिया सन 76 का पट्टा सर, जिनमें इन पे कोई साइन वाइन कुछ नहीं है सर, हमारे नाना जी का बिल्कुल फर्जी तरीके से कराया है सर, और सर ठीक है डीएसपी साहब मुझे डरा धमका के तो छोटा सिपाही है तो वो नौकरी से हटवा दूंगा, यूं करके यहाँ से भाग जाएगा तो ये जमीन में कब्जा कर लूंगा, इस कारण मुझे सर आए दिन परेशान करता है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।